बस बाइक की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ऑर्चिड फोर्ड शोरूम, NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ की सुपरटेक पाम ग्रीन के वासिंदे आज सड़क पर आ गए। बिल्डर की एक तरफा मनमानी का विरोध करते हुए वे पार्क में जमा हो गए। बिल्डर के ही करीबी किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचित कर दिया कि लॉकडाउन के बावजूद वहां कॉलोनी वासी मीटिंग कर रहे हैं। इस पर वहां पुलिस पहुंच गई और कॉलोनी वासी सुशील क्षेत्रपाल को पकड़कर ले जाने लगी। इसका वहां जमा महिलाओं व अन्य लोगों ने यह कहते हुए विरोध किया कि लॉकडाउन में बिल्डर मनमानी करते हुए मेंटेनेंस के पैसे बढ़ा रहा है, उन लोगों की बिजली काट रहा है और वे यदि बिजली अभाव में पार्क में जमा है तो पुलिस गिरफ्तार कर रही है, यह कैसा न्याय है। काफी जद्दोजहद के बाद मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने पुलिस को फोन कर वासिंदों की समस्या सुनने को कहा। दरअसल सुपरटेक पाम ग्रीन की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। रखरखाव का पैसा तो लिया जा रहा है लेकिन वह खर्च नहीं किए जाने से बिल्डिंग खंडर में तब्दील होती जा रही है। कई जगह से प्लास्टर उखड़ चुका है। शाम 5 बजे पार्क में जमा हुए लोगों ने बताया कि लॉकडाउन में सरकार बराबर किराया, फीस आदि ने बढ़ाने की हिदायत दे रही है लेकिन बिल्डर ने मेंटेनेंस 1.5 रुपये से बढ़ाकर 1.75 रुपये कर दिया, जो करीब 4000 प्लस GST बैठता है। सुविधा न देने के बावजूद पैसा बढ़ाने का विरोध करते हुए जब कॉलोनी वासियों ने रुपया जमा नहीं किया तो आरोप है कि बिल्डर ने बिजली मीटर में जमा धनराशि से मेंटेनेंस की राशि काट ली, जिस कारण पैसे के अभाव में बिजली काट दी गई। बता दें कि सुपरटेक में प्रीपेड बिजली मीटर लगे हुए हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बिजली मद का पैसा मेंटेनेंस में जमा नहीं किया जा सकता है। इन लोगों का यह भी कहना है कि बिल्डर ने 3-4 लोगों को अपनी तरफ मिला रखा है, इनमें से एक कॉलोनी के ही भीतर कमर्शियल एक्टिविटी कर परचून की दुकान चला रहा है जबकि यह आवासीय कॉलोनी है। यह भी बताया गया कि कॉलोनी वासी अभी तक सुपरटेक स्टेट में धनराशि जमा कर रहे थे लेकिन अब बिल्डर ने किसी अन्य एजेंसी में पैसा जमा कराना शुरू कर दिया है, जो कि नियम विरुद्ध है और वे इस नई एजेंसी में धनराशि जमा नहीं करेंगे। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।